26 दिसंबर 2011 नासा की टेरा सैटेलाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रही है और यह तस्वीर मिलती है। यह चीज नीली लाइट का चमकता हुआ विशाल भंवर लगती है। पहले भी घूमते हुए भंवर देखे गए हैं, पर यह उनमें से सबसे बड़ी है। कौन या कौन सी चीज उसे वहां बना रही है? यह भंवर या यह जो भी है, दक्षिण अफ्रीका के तट से 800 किलोमीटर दूर है और यह बहुत ही विशाल है, जो 160 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तस्वीर को देखकर लगता है कि यह भंवर एक पूरे राज्य जितना बड़ा है, लेकिन यदि यह भंवर है तो यह अब तक दर्ज किए गए किसी भी भंवर से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, जो जबरदस्त ताकत पैदा कर रहा है। बेहिसाब टन पानी एक जानलेवा चक्र में घूम रहा है। कोई भी शिप उसके आसपास भटकना भी नहीं चाहेगी। समुद्र के सबसे ताकतवर भंवर बहुत खतरनाक होते हैं। इतना विशाल सुपर वॉर्टेक्स दुनिया के सबसे बड़े समुद्र को पल भर में निगल जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके आकार ने ही एनालिस्ट को हैरत में नहीं डाला है। यह जो भी चीज है, वह नीली क्यों दिख रही है? इस फोटो में इस घटना को देखे जाने की मुमकिन वजह यह हो सकती है कि इस भंवर ने लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर खींच लिया है, जिन्हें हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। फाइटोप्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो चमकदार नीली लाइट छोड़ते हैं, लेकिन फाइटोप्लैंकटन बेहद छोटे जीव होते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी और इतनी चमकदार लाइट बनाने का मतलब है कि अरबों खरबों प्लैंकटन भंवर की दीवारों में फंस जाएं। ऐसा होने के लिए भंवर को एक ब्लैक होल की तरह काम करना होगा, जैसा कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर लाइट फंसकर रह जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के कुछ भंवरों के किनारे के इर्द गिर्द कुछ मॉडल होता है जो मटेरियल को अंदर फंसाकर उसे अंदर ही कैद रखने का काम करता है। तो जैसे ब्लैक होल लाइट को अंदर खींच लेता है, वैसे ही समुद्र के भंवर मैटर को कैद करके रख लेते हैं। इस मामले में चमकते मैटर को कैद किया लगता है, इसलिए यह नीली रोशनी को दिखा रहा है। समुद्र के इन भंवरों में हर चीज फंस जाती है। वो लगातार घूमते रहते हैं, जिसमें लाखों अरबों लीटर पानी होता है। समुद्री प्लैंकटन, समुद्री मैटर और वह समुद्र में आगे बढ़ते रहते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, और कोई चीज बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि यह चीज सैटेलाइट से देखी जा रही है और इसकी आकृति बिल्कुल भंवर जैसी है। और यदि यह भंवर है तो समुद्र में यह चीज भूकंप की वजह से भी बन सकती है। 11 मार्च सन 2001 को रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता वाला भूकंप जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर आया था। इसकी वजह से आई हुई अब तक की सबसे बड़ी सुनामी दर्ज की गई थी। 40 मीटर ऊंची लहरें जापान की तटीय धरती से टकराई और इस वजह से तट के पास जानलेवा भंवर बना। लेकिन वह भंवर इस सैटेलाइट पर कैद किए गए चमकते विशाल भंवर के मुकाबले कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त कोई भी सुनामी या भूकंप दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो यदि यह आकृति किसी भूकंप से नहीं बनी, तो फिर यह है क्या? सैटेलाइट से नोट की गई यह नीली गोल भंवरनुमा लाइट किसी साईफाई मूवी की तरह लगती है। किसी ने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। यह इतना विशाल है कि भंवर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों ने कोई भूकंप या सुनामी दर्ज नहीं की और न ही मौसम में कोई बदलाव देखा। फिर यह क्या हो सकता है? पर यह जो भी है, वह आज तक रहस्य ही बना हुआ है।